निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है कि इसका विरोध होना शुरू हो गया है। एक तरफ इस फिल्म का विरोध गुजरात में हार्दिक पटेल की अगुवाई वाली पाटीदार नव निर्माण सेना कर रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में राजपूत करणी सेना इस फिल्म के सख्त खिलाफ दिख रही है। हार्दिक पटेल ने संजय लीला भंसाली को चिट्ठी लिखकर सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक भंसाली लिखित में आश्वासन नहीं देते, तब तक इस फिल्म की शूटिंग गुजरात में नहीं होने दी जाएगी। हार्दिक ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि फिल्म के ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ कर रिलीज किया गया तो करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ऐसे में कानून और व्यवस्था की समस्या भंसाली के सामने आ सकती है। रानी पद्मावती का नाम राजस्थान के इतिहास में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने चित्तौड़ के आत्मसम्मान के लिए 1600 और रानियों के साथ जलते कुंड में कूद कर जान दे दी थी। ऐसा उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर हमले के दौरान किया था, लेकिन इस फिल्म में पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है, जिससे हार्दिक और राजपूत करणी सेना को घोर आपत्ति है। राजपूत करणी सेना भी राजस्थान में फिल्म की शूटिंग नहीं होने की बात पर अड़ी है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पहले चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले में होनी थी, लेकिन करणी सेना के विरोध को देखते हुए फिल्म के लिए किले का पूरा सेटअप मुंबई में तैयार किया गया। आपको यह भी बता दें कि इस फिल्म में दीपिका पद्मावती के किरदार में नजर आएंगी और शाहिद कपूर उनके पति की भूमिका में दिखेंगे। वही रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे हैं। हार्दिक के मुताबिक किसी भी फिल्मकार को मनोरंजन के नाम पर इतिहास को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अब देखना यह है कि भंसाली हार्दिक और राजपूत करणी सेना के विरोध पर कितना अमल करते हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।